दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट और वाटर का। जैसे यहाँ पर सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया और वाटर, इसी का हम लोग कैलकुलेशन जानेंगे कि कितना क्वांटिटी में इसका कैलकुलेशन आता है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 केजी पर एमक्यू, मतलब एक एमक्यू में 1440 केजी सीमेंट आता है, और एक एमक्यू में 35.314 सीएफटी होता है, मतलब क्यूबिक फीट। एक एमक्यू का वैल्यू होता है 35.314 सीएफटी। और सीमेंट एंड वाटर का रेशियो होता है 0.5 पर केजी, मतलब एक केजी में 0.5 लीटर आपका पानी आएगा, मतलब आधा लीटर। तो हम जानते हैं कि एक बैग जो सीमेंट होता है उसमें 50 केजी आता है, 50 केजी का पर बैग सीमेंट होता है। तो एक बैग में मेरा कितना पानी आ जाएगा, तो एक यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोग को समझने के लिए, एक बैग सीमेंट इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा 0.5 × 50, मतलब 0.5 हो गया लीटर और 50 आपका केजी हो गया, मतलब एक केजी में 0.5 लीटर आता है, तो 50 केजी में कितना आएगा, 25 लीटर, हिंदी में लिख देता हूँ, लीटर आपका सीमेंट आएगा, इससे पानी आएगा 50 केजी में। और ड्राई वॉल्यूम होता है जो मेरा 1.54 पर एमक्यू होता है, जो भी मेरा ये वैल्यूम कैलकुलेट होके आएगा उसको हम एमक्यू में चेंज करने के लिए 1.54 प्रति एमक्यू से गुणा करते हैं, जो ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले एक मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ, उसी पे सब निकालेंगे हम लोग। एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, मानते हैं हम लिए M25 इसलिए बता रहा हूँ कि M25 और M20 ज़्यादातर आपको साइड पर यूज होते हैं। M25 का जो आपका रेशियो होता है वो होता है 1:1:2, जो ये 1 होता है ये आपका होता है सीमेंट, और ये जो बीच वाला भाग होता है ये होता है सैंड मतलब बालू, और ये जो होता है आपका एग्रीगेट होता है, इसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं। इसी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं हम लोग सीमेंट का निकालना है, तो सीमेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम सीमेंट का रेशियो जो है उसको लिख लेंगे। सीमेंट का रेशियो 1 होता है, 1 यहाँ पर दिया हुआ है, आप टोटल सम करेंगे पूरा रेशियो का, तो 1 + 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 5 कर देंगे इसको हम लोग ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो मेरा आएगा ये आएगा 0.385 एमक्यू, ये मेरा एमक्यू में आ गया सीमेंट। अब हम इसको चेंज करेंगे केजी में, तो आपको हम बताए हैं कि केजी में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है 1440 केजी पर एमक्यू, मतलब एक एमक्यू में 1440 केजी आता है। 0.385 एमक्यू में कितना केजी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0.385 × 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा आएगा आपको 554 केजी, ये मेरा सीमेंट का वॉल्यूम आ गया, सीमेंट का जो वॉल्यूम बोल रहे हैं सीमेंट का जो केजी में लगेगा वजन उसका आएगा 554। अब हम इसको बैग में चेंज करते हैं, देखिए इन बैग ये मेरा इन केजी था। अब इन बैग में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि एक बैग में 50 केजी होता है, तो 554 केजी बटा 50 कर देंगे, तो ये मेरा आएगा 11.08 बैग, ये मेरा सीमेंट का हो गया। अब हम लोग सैंड का देखते हैं, सैंड का होगा, देखिए सैंड का वैल्यू दिया है 1, इसका टोटल कितना होगा 1, 2 और 2, टोटल होगा 4, 1/4 × 1.54 ये मेरा ड्राई वॉल्यूम हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.385 एमक्यू। इसको हम सेफ्टी में चेंज करते हैं, सेफ्टी में चेंज करेंगे तो आएगा 0.385 इंटू
35.34, ये 35.434 इसलिए लिखे हैं 314 कि हम लोग एक MQ का जो वैल्यू होता है CFT में वो होता है 35.314। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 35.314, तो ये मेरा CFT में आ गया 13.595 CFT। अब एग्रीगेट का देखते हैं, एग्रीगेट का वॉल्यूम ये वैल्यू दिया है 2, 2 बाई टोटल सम करेंगे सबका, 2 प्लस 1 प्लस 1, यह आएगा 4 इंटू 1.54। ये एग्रीगेट का हो गया, जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपको, ये आएगा एग्रीगेट का आएगा 0.77 MQ, ये एग्रीगेट का आ गया MQ में। अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे CFT में। CFT में चेंज करने के लिए फिर वैसे ही करेंगे, इन CFT में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.77 इंटू 35.34 से यहाँ भी गुणा करेंगे, क्योंकि एक MQ में 35.314 CFT होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग गुणा कर दीजिए, तो ये मेरा आ जाएगा आपका CFT में आएगा 27.14, ये आ गया CFT। ये मेरा हो गया एग्रीगेट के लिए, इन CFT में के लिए। अब वाटर का रेशियो क्या होगा, मेरा वाटर का मात्रा कितना लगेगा, तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, एक बैग सीमेंट में आपका 25 लीटर पानी लगता है, 25 लीटर पानी लगता है, मतलब 1 KG का हो गया आपका 0.5 लीटर पानी। तो मेरा यहाँ पर सीमेंट का बैग कितना बैग आया, मेरा देखिए यहाँ पर सीमेंट आया है 11.08 बैग। अब देखिए हम लोग निकालेंगे फॉर वाटर, वाटर के लिए हम लोग करेंगे 11.08 मल्टीप्लाई 25 लीटर, तो ये मेरा आ जाएगा आपको, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 277 LTL लीटर है, ये लीटर यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे ही हम सबका कैलकुलेशन करेंगे, तो चलिए हम आपको इसका एक प्रिपेयर चार्ट सब आपको दिखाते हैं किसमें कितना आएगा, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए M25 का हम पूरा फिल कर देते हैं, जो सीमेंट आएगा वो आएगा 0.385 MQ। इसको अगर हम केजी में लिखना चाहेंगे तो आएगा 5554 KG, ये आएगा आपका केजी में। अब इसको बैग में चेंज करेंगे तो जैसे हम आपको बताए थे 11.08 बैग, सैंड का आएगा 0.385 MQ, CFT में आएगा 13.595 CFT, एग्रीगेट का आएगा 0.77 MQ, CFT में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 27.14 CFT। अब वाटर का आएगा मेरा जो वॉल्यूम होगा वो आएगा 277 LTL लीटर। अब M20 का देखते हैं, ये दोनों आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसी दोनों का ज़्यादातर उपयोग होता है मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में या जहाँ भी हो। अब देखिए M20 का देखते हैं, ये इसका आएगा आपको 0.28 MQ, केजी में आएगा 403.2 KG, और कितना बैग सीमेंट लाएगा ये आएगा 8.06 बैग, ये आपका सीमेंट का हो गया। अब इसमें सैंड कितना लाएगा 0.42 MQ, सेफ्टी में आ गई है 14.82 CFT, इसका आएगा 0.84 MQ, और ये आएगा आपको 2.29 29.29
CFT 201 लीटर आपका पानी आएगा। वैसे ही दोस्तों अब देखिए हम 75 7.5 पर देखते हैं, जिसका रेशियो होता है 1:4:8, इसका आएगा 0.12 m³, kg में आएगा 0.3.1। ये बैग हो गया, ये मेरा केजी हो गया। अब सैंड का जो होगा वो आएगा 0.43473 m³ और सीएफटी में आएगा 16.73 CFT। एग्रीगेट का आएगा 0.942 m³ और सीएफटी में आएगा 33.98 CFT। और जो मेरा वाटर आएगा वो आएगा 85 लीटर। अब M5 पे देखते हैं, इसका रेशियो होता है 1:5:10। इसका जो सीमेंट आएगा वो आएगा 0.096 m³, मतलब 138.6 kg इन बैग। बैग्स में आएगा 2.77 बैग। और सैंड का जो आएगा वॉल्यूम वो आएगा 0.48 m³ और इसको सेफ्टी में लिखेगा तो 17 सेफ्टी आएगा। और एग्रीगेट आएगा जो आएगा 0.962 m³, मतलब 33.98 CFT। और इसमें पानी जो मेरा ऐड होगा होगा 69.25 LTI। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए आपको बताया क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इसमें से कोई पूछा जा सकता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हेल्पफुल होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि जो ही सब्सक्राइब करिएगा आपको बेल आइकन का घंटी बनेगा, आप उसको भी ज़रूर दबाइएगा ऑल पे क्लिक करके। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।